तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल इमली के बारे में, जिसको दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। तो वहीं सीरियल में इमली के किरदार में मेघा को खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि मेघा को इमली का किरदार देने से पहले मेकर्स ने किरदार टीवी की 5 मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्रियों को ऑफर किया था, लेकिन किसी न किसी वजह से उन सभी ने इस किरदार को करने से मना कर दिया। और हम आप सभी को उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन सी हैं वो अभिनेत्रियाँ। तो अगर आप सभी जानना चाहती हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट सनाया ईरानी। सनाया को टीवी के काफी पॉपुलर शो में देखा गया है और इनको दर्शक खूब पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मेकर्स ने इनको भी इमली का किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन ये इस किरदार में फिट नहीं बैठी और इनको इस किरदार से रिजेक्ट होना पड़ गया। नंबर सेकंड अशनूर कौर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दर्शकों के बीच इन दिनों अशनूर काफी पॉपुलर हैं, और इतना ही नहीं अशनूर अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों का दिल जीतती रहती हैं, जिसको देखते हुए मेकर्स ने इमली का किरदार निभाने का मौका इनको भी दिया था। पर ये उस वक्त काफी बिजी थी, जिस वजह से इन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया और ये भी रिजेक्ट हो गई। नंबर थर्ड आदिति शर्मा। आदिति को भी काफी शो में देखा गया है, ये काफी पॉपुलर भी हैं। इनको भी इमली का किरदार ऑफर किया गया था और आदिति को ये किरदार काफी पसंद भी था, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस किरदार को नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये भी रिजेक्ट हो गई। नंबर फोर्थ नियति फतनानी। नियति टीवी की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक है और इनको फैंस खूब पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मेकर्स ने इनको भी इमली बनने का मौका दिया था, लेकिन उस वक्त ये कोई और शो शाइन कर चुकी थी और ये भी रिजेक्ट हो गई। नंबर फिफ्थ सुरभि ज्योति। सुरभि के लाखों चाहने वाले हैं जो कि इनको खूब पसंद करते हैं, और मेकर्स भी चाहते थे कि इमली का किरदार सुरभि ही प्ले करें, लेकिन सुरभि उस वक्त दूसरे प्रोजेक्ट में काफी बिजी थी, जिसकी वजह से वो ये किरदार नहीं कर पाई और इनको भी रिजेक्ट होना पड़ गया। और अंत में ये किरदार मिल गया मेघा को, क्योंकि इस किरदार में फिट बैठ गई और मेघा के लिए ये किरदार काफी चैलेंजिंग भी था, लेकिन अभी इनको इमली के किरदार में काफी पसंद किया जा रहा है। तब आप सभी को इमली के किरदार में मेघा ही ठीक लगती है या फिर इन अभिनेत्रियों में से किसी एक को होना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।